जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों आज हमारे साथ कॉफी विद सुमित साहब हैं। आज यानी हम सुमित सर के साथ कॉफी पर हैं और कॉफी विद सुमित जैन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर जिस तरीके से सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और सबसे पहले धन्यवाद आपने हमें टाइम दिया और लाइव का टाइम दिया। अब सर क्वेश्चन ये है कि जैसे हम पिछले काफी टाइम से सोचते हुए आ रहे थे एक इंडियन मीडिया जो है वो डिस्कशन कर रहा था, प्रोपगेट कर रहा था इस चीज़ को कि यार इंडिया जो है वो प्रॉब्लम्स में, वो चाइना की इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम्स में आ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो चुकी है, डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड कम हो चुकी है और सब चीज़ें। उसके बाद एकदम से शोर मचा कि भाई चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है या यूं कहीं गिर रही है। रियल एस्टेट और बैंक्स जिस तरीके से गिरे, जिस तरीके से शेयर मार्केट में क्रैश आया, जिस तरीके से अमेरिका चाइना के रिलेशंस बिगड़े, यूरोपियन मार्केट चाइना से दूर हटी, आज हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे नज़र आ रहे थे। ऐसे में एक पैनिक बटन सा जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था कि भी पैनिक बटन दबाया नहीं है, अब ऐसा लग रहा है कि पैनिक बटन दब रहा है। क्योंकि हमने डिस्कशन किया था कि चाइना 2030, 2040, 2050 इस तरीके की बातें सोच रहा है, लेकिन आज सुनने में आया है कि कुछ डिस्कशन वगैरह शुरू हुआ है और कुछ ऐसा है जो कि काफी ज्यादा पेनफुल होगा अगर वो सर्जरी टाइप का कुछ हुआ तो, या फिर हो सकता है कि कुछ घबराहट फैल चुकी हो, उसको रोकना हो। तो आप बताइए, चाइना से जिस तरीके से आप पूरा का पूरा उसमें रहकर सिचुएशन को देख रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि चल क्या रहा है? मोहन जी, पहली बात यह है कि कल और परसों मेरी डिटेल में डिस्कशंस हुई हैं। वी वर पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, मी एंड माय वाइफ बोथ वर देयर। माय वाइफ वाज फिजिकली प्रेजेंट, मैं डिजिटली प्रेजेंट था वहां पर। बिकॉज यू नो कि अभी मैं आजकल दो हफ्ते के लिए भारत में आया हूँ, यहाँ की हवा को एंजॉय करने आया हूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूं, तो आई एम हेयर एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दिस टू वीक्स। बट चाइना एंजॉय नहीं कर रहा कुछ भी, ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं। बट एक चीज और है, हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी दो किश्तियों में पैर रखेगा वो डूबेगा ही। चाइना को मुझे लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चाइना डूब रहा है, मैं ये बोल रहा हूं कि चाइना ने दो किश्तियों में पैर रख लिया है और दो किश्तियों का नाम है राहुल गांधी एंड मोदी जी। अब आप सोचेंगे यार चाइना ये दो किश्तियों में पैर कैसे रख सकता है। चाइना ने क्या किया है, जो राहुल गांधी की पॉलिसी है उसको भी इंप्लीमेंट कर दिया और मोदी जी की पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करने की बातें सोच रहा है। अभी छह दिन के लिए मीटिंग चलनी है, वो छह दिनों में क्या क्या काम होगा मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा इन अ वेरी नटशेल। पहली बात, राहुल गांधी कौन सी पॉलिसी लेकर आया है जो 2024 में अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो लेके आए हैं जाति का कार्ड। यानी कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला आप जाति के ऊपर, मैं आपको सबको संभालूंगा। दैट मीन्स एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को आपने खुश करने के लिए, उनकी वोट लेने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आपने एक पॉलिसी निकाल दी। अब चाइना ने क्या किया, भाई चाइना है कॉपी मास्टर, उन्होंने राहुल गांधी क्योंकि बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर है उसकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए बोला कि जो मिडिल क्लास है हमारे कंट्री की वो श्रिंक हो रही है, वनरेबल है, आपको थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा ताकि आपकी जिंदगी बेटर हो, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। बाकी आप किसमें सपोर्ट करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। भाई वो मेहनत करेगा पैसे कमाएगा, आपकी सपोर्ट क्या होगी, समझ नहीं आया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, जब वो कोई बात बोलता है तो लोग सुनते हैं और कहते हैं कि भैया इसने बोल दिया तो ये कुछ करेगा, एक्चुअल में कुछ करने के लिए है ही नहीं। जैसे जाति का कार्ड है, भैया आपकी मैं अदानी में, आपकी रिप्रेजेंटेशन में, की डायरेक्टर में आपको बैठा दूंगा, टाटा में आपको बैठा दूंगा, बैठा सकते नहीं है। एक ऐसा गुड़ लगा दिया है इस कोनी पे, बोले पंजाबी में कोनी से गुड़ लगा दो तो चूसते रहो, तो वो वाला काम कर दिया है राहुल गांधी ने ओबीसी के साथ, वही काम शी जिनपिंग ने मिडिल क्लास के साथ करने वाला है, अभी किया नहीं है, हो जाएगा। अब मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ने ग्रोथ देखा है और उसमें मिडिल क्लास बढ़ता गया, मिडिल क्लास ही कंजम्पशन करता है हर कंट्री के अंदर, ये आपको भी मालूम है, और सबसे ज्यादा मेहनत भी मिडिल क्लास करती है। क्यों,
मिडिल क्लास को लगता है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा मैं कहीं गरीबी रेखा के नीचे ना आ जाऊं, और मेहनत करूंगा हो सकता है मैं अपर मिडिल क्लास, उसके बाद मैं रिचनेस की पोजीशन में आ जाऊं। हर आदमी रिच बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। तो मिडिल क्लास की जो ये एक भूख है ऊपर बढ़ने की, नीचे ना गिरने की, ये डर भी और भूख भी, उसको शी जिनपिंग ने पकड़ लिया नब्ज की तरह। एक तो ये हो गया। अब जो मिडिल क्लास है, अब मैं कह रहा हूं दो किश्तियां, जो मोदी जी की पॉलिसी और राहुल गांधी की पॉलिसी को कैसे इन्होंने इंप्लीमेंट किया है दोनों को। आपको याद है कि अभी पिछले 3-4 साल से मोदी जी ने एक काम किया कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है। आपने भी इसको क्रिटिसाइज किया, मैंने भी किया, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि वो पॉलिसी मोदी जी की क्या थी। मोदी जी कहते हैं कि ये जो मैंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, दे आर द मोस्ट वनरेबल, ये कभी भी दोबारा से हल्की सी कोई हवा चेंज होगी तो ये नीचे गिरने की कगार पे दोबारा आ जाएंगे। ये कगार के ऊपर है, ये तो एक झटका लगा ये नीचे गिर जाएंगे। इसलिए मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं राशन के साथ, ताकि जो ये पैसे कमा रहे हैं ये अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में, पढ़ाई लिखाई में, जो भी करें स्किल डेवलपमेंट में, उसमें लगाएं, ताकि ये कभी भी नीचे ना गिरे। दैट मीन्स आई एम गिविंग देम अ सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम माई साइड। तो ये मोदी जी का, क्योंकि वो नीचे से आए हैं, उनको समझ आती है कि यार ये जो ब्रिंक के ऊपर है ये कभी भी नीचे गिर सकते हैं। शी जिनपिंग ने भी इस चीज को पकड़ लिया कि भैया मेरी जो मिडिल क्लास है वो नीचे आ रही है, जो जबकि जो मिडिल क्लास का इंडिया का जो पैरामीटर है और चाइना का है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बट स्टिल ही सेज दीज पीपल आर वल्नरेबल, ये नीचे गिरने की जो कगार के ऊपर है इन्हें मैं सपोर्ट करना चाहता हूं। पहली बार चाइनीज गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करेगी कि भाई मैं मिडिल क्लास को नीचे गरीबी रेखा के नीचे आने नहीं दूंगा, और आश्वासन दे दिया भैया मैं तोड़े नाल, शी जिनपिंग बोल रहे पंजाबी में, मैं तोड़े नाल, चिंता ना करो। ठीक है, मोदी बल्कि शी जिनपिंग है तो मुमकिन है, बल्कि यहाँ पे शी जिनपिंग ने भी वो स्टेटमेंट बोलने शुरू कर दी है एक तरह से। सो ये जो दो किश्तियां हैं, राहुल गांधी वाला कार्ड ओबीसी वाला कि मैं मिडिल क्लास के साथ हूं, और साथ में मैं आपको नीचे नहीं गिरने दूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है उसी से कंट्री की ग्रोथ आएगी। तो ये दो चीजें हैं जो जो शी जिनपिंग अभी करने वाले हैं। उन्होंने कोई इंडस्ट्री की बात नहीं करी है अभी तक, करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो कि पांच छह चीजें और ये अगले 6 दिनों में करने वाले हैं, जो मुझे एक्सपेक्टेशन है एज अ इकोनॉमिस्ट एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द चाइनीज स्टाइल ऑफ वर्किंग, कम्युनिस्ट पार्टी कैसे काम करती है। भाई ये भी मारवाड़ी है पूरे, बिना पैसे लगाए कैसे काम करना है ये चाइनीज को आता है। तो मैं उस दोनों चीजों को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट बेसिक ये है कि ये मिडिल क्लास को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है भैया, आपने जैसे कहा था कि हम बात शुरू करेंगे सवाल में तो सवाल निकलेंगे, और माफ कीजिएगा सवाल तो निकले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आपने सबसे पहले तो थैंक यू एक सवाल का जवाब दे दिया, और अब तक मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पा रहा था। दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें चल रही थी, एक तरफ बीजेपी सरकार कह रही थी कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, और दूसरी तरफ क्रिटिक ओपनली चेहरे वो कह रहे थे कि हमने बड़ी संख्या में जो गरीब लोग हैं उन्हें गरीबी रेखा से बाहर यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से उसे अबव पॉवर्टी लाइन में कन्वर्ट किया है। लोग मुझसे पूछते थे, मैं भी कई बार जवाब नहीं, मैक्सिमम केसेस में जवाब नहीं दे पाता था, और जवाब देने से पहले कि यार ठीक है एक फ्लिप फ्लॉप पार्ट था, लेकिन क्लियर जो जवाब है वो आज आपने दिया कि यार असलियत में क्या होता है, जब आप किसी को गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर निकाल कर लेके आते हो तो वो वल्नरेबल होता है, और जरा सा अगर कोई बाहर कोई चेंज आता है तो वो दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। उसको उस लेवल से ऊपर बनाए रखने के लिए यूं नहीं है कि तू अब अमीर है, गरीबी रेखा से ऊपर आ गया, अब तेरे को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसे ऊपर बनाए रखने के लिए एक कंसिस्टेंट सपोर्ट की जरूरत होती है, और वो कंसिस्टेंट सपोर्ट इस टाइम गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेरा ऐसा मानना है। ओके, अब इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो ये है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो मतलब मेरा सवाल ये था, क्योंकि देखिए चाइना के मिडिल क्लास की आपने बात की है, चाइना का मिडिल क्लास जो है, पहली बात मुझे ऐसा, देखिए मिडिल क्लास को इंडिया में जो गरीबी रेखा से ऊपर आया है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन क्रॉस करके वो अबव पॉवर्टी लाइन हो गया है, वो तो वल्नरेबल है, लेकिन इंडिया के अंदर
मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन या सपोर्ट की जरूरत या नहीं पड़ती है, वो सेल्फ सफिशियंट होता है। और जिस तरीके से मैं अपने मिडिल क्लास के बारे में पढ़ता हूँ समझता हूँ, वो साफ तौर पर है कि मिडिल क्लास जो है वो एक थ्योरी के ऊपर जीता है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, कि थोड़ा तो है आपने जो बताया कि थोड़ा सा तो है और थोड़े की जरूरत है, मतलब एक होप है कि मैं भी अमीर बनूंगा, लेकिन एक डर भी है कि मैं गरीब ना हो जाऊं। इसीलिए जब मैं नेशनलिज्म पढ़ाता हूं और जब हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म का हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं और राइज ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर आते हैं, तो बताते हैं कि इस डायनामिक मिडिल माइक्रोस्कोपिक मिडिल क्लास ने, डायनामिक एंड माइक्रोस्कोपिक मिडिल क्लास ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कंट्री के राइज में, नेशनलिज्म के राइज में, और नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया। और इंडियन नेशनल मूवमेंट हमेशा से मिडिल क्लास के हाथों में रहा कमोबेश, मिडिल क्लास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बेस की तरह काम किया, और जैसे जैसे वो लगातार बढ़ता गया ब्रिटिशर्स को चैलेंज इसी मिडिल क्लास ने किया। हम इस चीज को समझ गए। चाइना के अंदर भी यही मिडिल क्लास जो था ये बूम था पूरी की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ का। लेकिन अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मिडिल क्लास इज फॉलिंग, और मैं उस चीज को मानता भी हूं, क्योंकि बैंक्स के अंदर जमा पूंजी जो होती है एफडी से लेकर इन्वेस्टमेंट से लेकर वो मिडिल क्लास की होती है, रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास की होती है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी की कमाई को फ्लैट और दूसरी चीजों में बनाता है, इन्वेस्ट कर देता है। बिजनेसमैन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट एसेट डेवलपमेंट के लिए करता है, वो एसेट से एसेट्स कमाने के लिए करता है, वो वैल्यू एडिशन के लिए करता है, वो सेविंग की फॉर्म में बिजनेसमैन नहीं करता, मिडिल क्लास करता है। ये मेरा है बुढ़ापे का और सब चीजें। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमारे को 2-4-5 साल में हमें देखने को मिला रियल एस्टेट फॉल आउट सबसे बुरी तरीके से दिखा, बैंक्स कलैप्स कर रहे हैं जो सबसे बुरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, सेविंग्स जो है इनकी, यानी बैंक अगर कलैप्स कर रखा है तो सेविंग जो है मिडिल क्लास की वो गायब हो रखी है। तीसरा, यूरोप के अंदर जिस तरीके से इकोनॉमिक रिसेशन आया, अमेरिका में रिसेशन आया, और कोरोना के बाद चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उसने इंडस्ट्रीज की जितनी बुरी तरीके से धुनाई करी, सॉरी मतलब मुझे ऐसा लगता है धुनाई करी, और कंपनीज छोड़ छोड़ के भागने लगी, वो कहीं ना कहीं अब ऐसा क्लियर वर्ड्स में लग रहा है कि शायद चाइना ने पैनिक बटन देर से दबाया और उस मिडिल क्लास जो अब डूब रहा है, आप जिस तरीके से बता रहे थे और मेरे को भी जैसे लगा, उसको बचाने के लिए भगदड़ मच गई। और अगर मिडिल क्लास को बचाने की भगदड़ किसी देश में मची हुई है तो इसका मतलब घाव गंभीर है और सर्जरी की जरूरत है। ये बताइए भैया। देखो, पहली बात ये है, आपने जैसे बोला कि मिडिल क्लास हमेशा ही कंट्री को सपोर्ट करती है, आगे लेके जाती है, भारत के लिए ये आप बोल सकते हैं। चाइना ट्रेडिशनली हमेशा ही पेजेंट्स की कंट्री रहा है, कम्युनिज्म था यहाँ पर, पेजेंट्स वर मोर इम्पोर्टेंट, और रेवोल्यूशन भी पेजेंट्स ही लेकर आए, मिडिल क्लास तो कभी भी रेवोल्यूशन लेकर नहीं आता है। भाई भारत के अंदर भी अगर कोई आंदोलन हुआ है तो हमेशा जो नीचे के लोग थे उन्होंने इकट्ठे मिलकर काम किया है। मिडिल क्लास वाला आदमी तो हमेशा ही जॉब में और अपने घर को बचाने में और बनाने में और बढ़ाने में लगा रहता है। चाइना के अंदर अभी है पहली बात। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करो, थोड़ा सा मेरे को, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक इसमें ऐड करना चाहूंगा, इंडियन मिडिल क्लास की जो मैं बात कर रहा हूँ वो काम कर रहा है, लेकिन जिस दिन वो खड़ा हो जाएगा उस दिन पेजेंट तो आज भी है, पेजेंट तो आज भी है, और किसान देख रहे हैं। हम जिस तरीके से बात करते हैं कि आज के दिन भी अगर उठाकर देखें तो बीजेपी का मेन वोट बैंक जो है वो शहरों में था, रूरल इंडिया था, सॉरी अर्बन इंडिया था, अब वो रूरल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और पेजेंट्स काम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का एक सिग्निफिकेंट बेस तो होता है जो सरकार को जल्दी से हिलने डुलने नहीं देता और वो मतलब स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है। और चाइना के अंदर भी अगर आप देखेंगे डेंग शियाओपिंग का जो रूल था, वो डेंग शियाओपिंग के रूल के अंदर मुझे साफ नजर आता है कि डेंग शियाओपिंग के रेजिम में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ चाइना के लिए तो वो मिडिल क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए ही तो फोकस किया गया था भैया। ट्रू ट्रू। देखो, जो आपने बातें करी है ट्रेडिशनली, मैं बात कर रहा हूँ 100 years बैक बिफोर वॉज ओनली अ पेजेंट्स मूवमेंट, उसके बाद
जब इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया, तब इनकी दो प्रॉमिसेस थी लोगों के पास कि भाई मैं आपको गरीबी रेखा से निकालकर मिडिल क्लास में लेके जाऊंगा। उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, जैसे हमारे भारत में था रोटी कपड़ा मकान, यहां पे था मकान एंड जॉब, एक सिक्योर्ड हाई इनकम गिविंग जॉब टू यू एंड अ गुड हाउस फॉर एवरीबडी, उसके ऊपर काम किया। आज की डेट में क्या हो रहा है, जॉब्स है नहीं, जॉब्स श्रिंक कर रही हैं। जो चाइनीज न्यू ईयर पे छुट्टियों पे गए थे उनको अभी तक बुलाया नहीं गया है क्योंकि फैक्ट्री शुरू ही नहीं हुई और कब शुरू होगी ये पता नहीं है। जो आदमी 10,000 की सैलरी पे था आज 2-3 हजार की सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर है। उसकी जो अपनी सेविंग्स थी, जो मिडिल क्लास है वो सारी उम्र सेव ही करता रहता है, उसकी सेविंग्स 30% कम हो गई हैं एक साल में, क्योंकि उसने घर बैठे खाना खाया है या उसका खर्चा तो 10,000 के हिसाब से है, 10,000 की इनकम थी, खर्चे भी उसे 6-7 हजार हो गए। आज इनकम 2-3 हजार की रहेगी, बाकी का वो अपने घर से निकाल रहा है, बच्चे स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी लोकेलिटी में रहता है, तो सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ में एक काम और हो गया, अभी बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, बच्चे स्कूलों में जाने बंद हो गए हैं। ये पहली बार हुआ है, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, पेरेंट्स फीस भर नहीं रहे। जिसकी फीस 15,000 थी, स्कूल वालों ने फीस के ऊपर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। 15,000 की फीस वाला बच्चा आज 10,000 पे, उन्होंने बोल दिया भैया आपको 30% डिस्काउंट, आप बच्चों को स्कूल तो भेजिए, अगर आप बच्चे स्कूल में नहीं भेजेंगे मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, 35,000 किंडर स्कूल्स पूरे चाइना में बंद हो चुके हैं, बच्चे ही नहीं हैं, बिकॉज एक तो पॉपुलेशन कम है, दूसरा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे लोग। तो ये एक जो पैनिक का सिचुएशन है, इसीलिए शी जिनपिंग को भी पता है, पहला जो हमारा यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ था वो पेजेंट से हुआ था, अभी मिडिल क्लास से होगा। और मिडिल क्लास की तो ये हालत है चाइना में, चाइना के अंदर, कि जो मिडिल क्लास है वो इंडिया के मिडिल क्लास की तरह नहीं है कि लो लो यू नो स्टे लो एंड यू नो अपने आराम से काम करते रहो, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। चाइना में दिखावे की एक परंपरा है, वेयर दे वॉन्ट टू शो दे आर डूइंग वेरी वेल। वो गांव में जाएंगे तो डिजाइनर क्लोथ्स को डाल के जाएंगे तो वो सारे के सारी सैलरी उसमें लगा देते हैं। मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी टीम के अंदर अगर कोई जो क्लरिकल स्टाफ है उसकी अगर 5,000 रुपए की सैलरी है, तो वो लड़की 3,000 रुपए पर महीने तो अपने ऊपर खर्च कर देती है, डिजाइनर क्लोथ्स के ऊपर, मेकअप के ऊपर। दे वॉन्ट टू शो दैट आई एम इवन मोर रिच देन माई बॉस। ये एक परंपरा है चाइनीज के अंदर। और आज की डेट में ये हाल है कि वहां पर एक वेबसाइट है जिसके ऊपर डिजाइनर सेकेंड हैंड क्लोथ्स या सामान को बेचने की वेबसाइट है। देर आर मिलियंस ऑफ आइटम्स फॉर सेल। बल्कि अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांडेड, कोई जैसे जॉकी इज नॉट अ वेरी ब्रांडेड बिग ब्रांड, अगर किसी का ब्रांडेड अंडरवियर है वो भी बेचने के लिए उस वेबसाइट के ऊपर आ गया है, और उसको खरीदने के लिए भी लोग हैं। आप समझ सकते हैं, किसी का यूज्ड अंडरवियर भी अगर कोई बेच रहा है और कोई खरीद रहा है, तो क्या हालत होगी कटरे की। यहां तक हमारे यहाँ कहते सिचुएशन हैं, कई बार हमारे यहाँ कहते हैं ना कि तेरे बेटा कच्चे तक बिकवा दूंगा। तो वो हो गया है। एंड आई एम नॉट जोकिंग दिस, मैं कोई सेंसेशनल बात तो आपको मालूम है मैं करता नहीं हूं। नहीं वहां पर बिल्कुल, वेबसाइट्स हैं जहां पर ये सेकेंड हैंड सामान मिडिल क्लास ही नहीं अपर क्लास भी बेच रहा है, क्योंकि उसके पास भी बिजनेस चलाने के लिए ना तो पैसा है ना उसका आउटलुक कोई बहुत ब्राइट है कंट्री के लिए। इसी को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट शी जिनपिंग की तरफ से दे दिया, चिंता ना कर मोदी बैठा है, न कि शी जिनपिंग बैठा है, मुझे मालूम है यू आर इन पेन, सो दिस इज ओनली टू स्टॉप द रेवोल्यूशन इन चाइना। अब पैनिक बटन, पैनिक बटन लोगों ने दबाया पहले कि भैया हाउ डू यू सस्टेन, हमने तो अपनी फ्रीडम आपके हाथ में दे दी थी ऑन योर प्रॉमिस ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर। तो इसलिए शी जिनपिंग की जो स्टेटमेंट रिसेंटली आई है, चाइनाज फ्यूचर इज ब्राइट, उसको मालूम है कि मैंने ये प्रॉमिस, या मेरी कम्युनिस्ट पार्टी ने आपको ये प्रॉमिस दिया था कि चाइनाज फ्यूचर विल नेवर बी ब्लैक। इसके लिए उन्होंने बोल दिया कि हमें 4-5 चीजें करनी पड़ेंगी, सस्टेन्ड ग्रोथ करनी पड़ेगी। एक स्टेटमेंट थी जो मुझे बड़ी ही अजीब लगी, उन्होंने बोला ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम बनाना पड़ेगा हमें। चाइना बोल रहा है ट्रांसपेरेंट सिस्टम, प्रेडिक्टेबल सिस्टम, प्रेडिक्टेबल
एंड ट्रांसपेरेंट। क्या बात है। और तीसरा बोला स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, ट्रांसपेरेंट। अब सोच के देखिए, चाइना में स्टेबल पॉलिसी कभी आ नहीं सकती, बिकॉज एवरी 5 ईयर्स दे ब्रिंग सम काइंड ऑफ अपहीवल। जहां पर एक स्टेटमेंट है चाइना में, चाइनीज गवर्नमेंट विल नेवर लेट यू मेक मनी, दे विल गिव यू मनी, दे नो हाउ टू टेक इट अवे। ये क्या करते हैं, कभी बिजनेस बहुत बढ़ा दिया, अब डाउन आ गया, सारे पैसे खींच लिए लोगों से। और यहां पर ये नहीं है कि आपने बैंकों के पैसे लिए और आपने वापस नहीं किए, यू आर अ नेशनल ट्रेटर, और आपके साथ एक ट्रेटर की तरह डील किया जाएगा अगर आपने बैंक के पैसे वापस नहीं किए हैं। आप अपने आप को बेचिए, आप किसी से लिए, भीख मांगिए, बैंक के पैसे वापस करने पड़ेंगे, देश का पैसा है, आप लूट नहीं सकते। और अगर आप लूट कर बाहर चले गए हैं तो उसको उठा के लेके आया जाता है, छोड़ा नहीं मुझे जाता। मुझे फिर एक सवाल पूछना है भैया, अगर बैंक ने पैसा नहीं दिया उसका क्या करेंगे? बैंक ने पैसा नहीं दिया। बैंक डूब गया, बैंक ने जिसने मैंने जैसे मैंने बैंक का पैसा नहीं दिया तो मेरे को तो आपने ट्रेडर की तरह यूज कर मतलब ट्रीट कर दिया है। अगर बैंक ने मेरा पैसा नहीं दिया और बैंक डूब गया, या सरकार डूब गई, सरकार ने मेरा पैसा नहीं दिया, कंपनी डूब गई, कंपनी ने मेरा पैसा नहीं दिया, या रियल एस्टेट के अंदर मैंने फ्लैट बनाया, वो फ्लैट नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मीन्स नाउ यू आर गोइंग डीपर इनटू द चाइनीज सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट आल्सो। थोड़ा अपने टॉपिक से हटके रहे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लोगों को समझ आना चाहिए कि चाइना में सिस्टम कैसे चलता है। अगर तो किसी रियल एस्टेट वाले ने आपका घर नहीं दिया, वो आपको पैसे नहीं देगा, आपको घर देगा, आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपको घर मिलना है, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, जिस जिस रियल एस्टेट उनको दबाव दिया है कि कुछ भी करो, आपको ये घर पूरे करके इनको वापस करने हैं। क्यों? क्योंकि उससे बैंकिंग का सिस्टम हिल रहा है, क्योंकि जिस आदमी ने एक फ्लैट को बुक किया है उसको ईएमआई भी देना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहां पर ईएमआई पहले मंथ से शुरू हो जाती है जैसे ही आपने मकान को बुक किया है। तो वो आदमी ने बोला मुझे मकान नहीं मिल रहा, मैं ईएमआई कैसे दूं, मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ, आज की डेट में किराए के मकान पे हूँ और मैं ईएमआई भी दे रहा हूँ, इतनी मेरी इनकम्स नहीं है, इनकम्स डाउन आ रही है, आई कैन नॉट पे। सो देर आर मोर देन 2 or 3 lakh पीपल ऑल ओवर चाइना। आपको लगेगा 2-3 लाख आदमी को ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करोड़ कर देंगे, एक घर का जो प्राइस है वो 4 करोड़ 5 करोड़ का है, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख आदमी, तो ये मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट होता है, जिन्होंने बोल दिया हम ईएमआई नहीं दे सकते। अब गवर्नमेंट ने वो रियल एस्टेट वालों को एक सपोर्ट दिया है कि भाई हम आपको एक टेम्पररी सपोर्ट देते हैं फाइनेंशियली, आप ये मकानों को पूरा करके इन लोगों को दो ताकि ये चक्कर चले। तो ये दैट मीन्स जैसे भारत में भी जो रियल एस्टेट कंपनीज बंद हो गई थी या प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, आपको याद होगा 3 साल पहले सीतारमन जी ने अपने बजट में उनको शायद 40-50,000 करोड़ रुपीज का पैकेज दिया था कि यू कंप्लीट दिस हाउसेस एंड गिव इट टू पीपल, ताकि एक सर्कल चलना शुरू हो, उसके बाद हमारी रिकवरी भी फास्ट हो गई थी और रियल एस्टेट ने भी पिकअप करना शुरू किया था। मैं पहले बोल रहा हूँ, शी जिनपिंग 2 किश्तियों में पैर रखकर चल रहे हैं, मोदी जी की सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं एज फार एज बिजनेस आर कंसर्न, सॉरी बैंक का कंसर्न। अगर बैंक डूब गया, आपके पैसे नहीं दिए, तो क्या होगा? चाइना में बैंक्स को डूबने नहीं दिया जाता। जो आप न्यूज सुनते हैं कि भाई यहां पर ये बैंक डूब गया, दीज आर रीजनल बैंक्स, जिसको हम इंडिया में कॉपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। आप कभी भी बड़े बैंक्स का नाम नहीं सुनेंगे, कॉपरेटिव बैंक्स होते हैं जिसके अंदर आपको मालूम है कि इतने नहीं होते कि छोटा सा बैंक है इसको क्या देखना है। तो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल बैंक जो डूब रहे हैं, उसको भी मर्ज किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, रेगुलेशंस किए जा रहे हैं। भाई 20 साल आप इमेजिन नहीं कर सकते, मेरी वाइफ बैंक में काम करती है, 15 साल इन्होंने इतनी ग्रोथ देखी है, इतना पैसा बैंकों में आता था, कभी इन्होंने कैश जो बैंक में पड़ा है उसका स्टॉक चेक ही नहीं किया है, कोई चोरी करके भी ले गया हो किसी को पता नहीं है कि बैंक में एक्चुअल कैश पड़ा है ट्रेजरी में या नहीं पड़ा है, टाइम ही नहीं था भाई, पहली एक बार सेकंड, स्टॉक नहीं 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 किसी। भैया एक सेकंड एक सेकंड, बैंकिंग में पैसे काउंट करने का टाइम नहीं है? क्या होता है, ब्रांच के अंदर पैसा आता है, शाम को वो पैसा ट्रेजरी में चला जाता है, वो हाँ ट्रेजरी में स्टॉक होता है, जो ब्रांच है वो कैश काउंट करती है हर रोज और डिपॉजिट करती है ट्रेजरी में, ट्रेजरी में स्टॉक टिकिंग होती है हर बैंक में साल के बाद। चाइना में पिछले 15 सालों में स्टॉक टिक ही नहीं हुआ, टाइम ही नहीं था,
कि ट्रेजरी में कितना पैसा पड़ा है, क्या है, इतना ज्यादा ग्रोथ देखी है। पहली बार वहां पर काउंट किया जा रहा है कि भाई हमारे पास एक्चुअल में ट्रेजरी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कि जहां पर कैश डिपॉजिट होता है, जैसे आरबीआई के हाउसेज में, वहां पर पैसा कितना पड़ा है, या एसबीआई के ट्रेजरी हाउसेज में पैसा कितना पड़ा है, चाइना में पहली बार किया जा रहा है। भाई हमने स्टॉक टिक ही नहीं किया, टाइम ही नहीं था, इतना तेजी से कंट्री राइज कर रही थी। भाई आप सोच के देखिए, चाइना इतना बड़ा कंट्री है, 15 सालों में जितनी ग्रोथ देखी है, जब वो काउंट करने लगते हैं उतना तो कैश और आ जाता है, या कहीं से डिमांड आ जाती है, दे हैव नो टाइम। सो पहली बार ये काम हो रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जो छोटे छोटे बैंक्स बंद हो गए हैं उनको मर्ज किया जा रहा है। यहां पर कभी भी अपनी नाक इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेविंग द फेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द चाइनीज। इसलिए बैंक बंद हो जाएगा, एक रेपरकेशन आएगा मार्केट में, लोगों को डर लगने लग जाएगा, लोग बैंकों से पैसा निकालने लग जाएंगे, ये कभी भी वो काम करने नहीं देंगे। तो गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपका पैसा बैंक में पड़ा है वो सेफ है, गवर्नमेंट स्टैंड्स गारंटेड फॉर इट। तो मैंने आपको कंपनीज का बता दिया, जैसे रियल एस्टेट का, अगर एक कोई एक क्वेश्चन कंपनी बीच डूब में गई, भैया, सॉरी 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 एक भैया, एक एक ही रह गया सिर्फ, हाँ जी, तीन चीजें बोली थी आपने, मैं पहले वो खत्म कर दूं। बैंक्स का पूछा मैंने, बता दिया आपको, बड़ा बैंक नहीं डूब रहा, छोटे छोटे कॉपरेटिव बैंक्स डूब रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनीज का मैंने बता दिया, घर बनाकर देने पड़ेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं जिसको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, अगर वो बंद हो जाए, तो वो वही पॉलिसी है जो पूरे वर्ल्ड में है कि भैया आपने मेरे से पूछ के तो जॉब लिया नहीं था, कंपनी बंद हो गई, सर्च फॉर अ न्यू जॉब। वो बोलता है कि न्यू जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए, 6 महीने में नया स्किल लीजिए, एंड देन यू कैन ज्वाइन अ न्यू कंपनी। बट उसने आपके पैसे या सैलरी नहीं दिए हैं, देन इट इज नॉट माई जॉब, यू हैव टू सर्च फॉर अ न्यू जॉब। लेकिन अगर आप सप्लायर हैं, आपके सप्लाई के पैसे नहीं मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो पहली बात यह है, चाइना में चेकबुक इशू नहीं होती, यहां पर हर चीज कैश पे होती है। आप पैसे दीजिए, माल ले लीजिए, उधार का काम होता ही नहीं है, बड़ा ही रेयर है कि बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं तो 5-10 दिन का आपको उधार मिल गया, वरना यहाँ सारा काम कैश पे, मिस कैश मिस नॉट कैश मिस इंस्टेंट पेमेंट है, पैसे दीजिए माल ले लीजिए, वो सिस्टम है। अब मेरा एक क्वेश्चन, तो यहां पर भी आपने जैसे बताया मोदी को कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले मोदी जी ने भी तो बैंकों का मर्जर किया था, इस बैंक को उसमें जोड़ दे, उसको उसमें जोड़ दे, उसके डेट को भी इकट्ठा कर दो, उसका क्रेडिट को भी इकट्ठा कर दो, और उसकी जो भी एनपीए है उनको इकट्ठा कर दो, और पता नहीं जो जमा घटा करके, और आज के दिन पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। यानी जो काम 2014 से हमारी मोदी सरकार कर रही है, वो काम शी जिनपिंग अब शुरू कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है लेकिन अकल देर से आती है, तो मेरे ख्याल से मैंने आंसर दे दिया आपको। आपने दो जगह, एक तीर से दो जगह घायल कर दिया। भैया कॉर्पोरेट का आदमी हो, हमारा काम है ये, बोर्ड मीटिंग में बैठकर, बोर्ड मीटिंग में हम यही काम करते हैं कि सभी को ध्वस्त कर रहा हो तो ये काम है। बट मैटर वही है कि आपको अगर किसी को कॉपी करना है, पहले आपको समझना पड़ता है, और एक बहुत बड़ी कंट्री है भारत, और भारत की जो पॉलिसीज हैं, अभी 10 सालों में कांग्रेस को समझ नहीं आया कि मोदी जी की पॉलिसी क्या है, कहां से कहां ले गए कंट्री को, ये हो क्या गया है। आपको लगता है कि इनके जो बॉस है कांग्रेस के, उनको इतनी जल्दी समझ आ जाएगा? नहीं आ सकता, वो भी पूरा डीपली देखते हैं, वो देखते हैं पहले कि आपने पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, उसका आगे इफेक्ट क्या हुआ। जब उनको लगता है कि यस दिस इज अ वर्केबल पॉलिसी, ये दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, तो इन्होंने जब देखा कि ये पॉलिसी वर्केबल है, बैंक, हमने दो बैंक्स को मर्ज किया है, तो दो हेल्दी बैंक्स को मर्ज कभी भी नहीं किया, एक हेल्दी बैंक में हमने एक वीक बैंक को मर्ज किया, ताकि वो ऑलरेडी चल रहा है इसको भी सस्टेन कर लेगा, उसी के कारण हमारी जो फाइनेंशियल सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर एक ग्रोथ देखी है। चाइना ने भी वही काम करना शुरू किया, अभी वो रिस्ट्रक्चरिंग कंट्री की कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस कम हो रही हैं, भी आप इमेजिन नहीं कर सकते, द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ इवन हेल्दी बैंक्स हैव बीन रिड्यूस्ड। ये भी मोदी जी ने किया था कि भैया अगर इतनी इतनी ब्रांचेस खोली आपको जरूरत ही नहीं है, आप कम कर दीजिए, और वही काम अब चाइना में हो रहा है। जो मेरी वाइफ का बैंक है उसकी मोर देन 1200 ब्रांचेस, 1200 ब्रांचेस पूरे चाइना में बंद हो चुकी हैं, जबकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ गोंगडोंग जो साउथ चाइना है उसके अंदर था। 1200 ब्रांचेस कम नहीं होती, एक ब्रांच एक बैंक के लिए बंद होती जा रही है, नॉट बिकॉज इकोनॉमी डाउन है। अब कई फेंकू हैं वो आ जाएंगे, वो देखे जी वो सुमित जैन ने भी मान लिया कि इकोनॉमी डाउन चल रही है, बैंक बंद हो गए, ब्रांचेस बंद होगी, और भैया ऐसा नहीं है फेंकू लोगों, मैं आपके लिए सुना रहा हूँ आपको,
ये जो ब्रांचेस कम हुई हैं ये रिकंसोलिडेशन है, क्योंकि पहले जब आप आज की डेट में क्या हालत है कि हर चीज डिजिटल हो गई, डिजिटल में आपको ब्रांचेस में जाता कौन है आज की डेट में? मोहन जी आप कितने 10 साल हो गए होंगे आप बैंक की शक्ल नहीं देखी होगी आपने, जरूरत ही नहीं पड़ती, हर चीज ऑनलाइन है। लगभग 4.5 साल चाइना में भी यही हाल है, लोग ब्रांचेस में जाते नहीं है, तो आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की जरूरत नहीं है। और भैया आज की डेट में तो एटीएम में भी कोई जाता नहीं है क्योंकि कैश कोई लेता नहीं है, जरूरत पड़ती नहीं है। दैट मींस द नंबर ऑफ एटीएम मशीन्स आर रिड्यूसिंग, ब्रांचेस आर रिड्यूसिंग, बैंकिंग जॉब्स आर रिड्यूसिंग, जरूरत ही नहीं है। सो ये दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यू सिनेरियो ऑफ डिजिटलाइजेशन। अब तो ये डिजिटल इकोनॉमी को भी इतना ज्यादा यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है कि जो सैलरीज है वो डिजिटल आपको मिलती है करेंसी में, ताकि उसकी जो प्रचलन है वो इंक्रीज हो जाए। भारत ने अभी सिर्फ शुरू किया है, ओनली फॉर सिलेक्टेड कंट्रीज कंपनीज और फॉर सम यू नो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी को देने के लिए इन्होंने इंप्लीमेंट किया है एज अ ट्रायल। चाइना ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका है इसको, डिजिटल करेंसी को। दैट मीन्स आगे आगे जाकर आपको बैंक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर चीज तो आपके ऐप में हो जाएगी। सो दिस इज द रिस्ट्रक्चरिंग विच इज गोइंग ऑन इन चाइना। प्लीज जो नटशेल में आपको एक्सप्लेन करना चाहता था मैं छोटे से टाइम पे, वो मैंने कर दिया। यही तो चीज है कि हमारा नटशेल के अंदर जो इम्प्रूव एक डिस्कशन हुआ उसमें साफ तौर पर नजर आ गया कि भाई पैनिक तो है और नई चीजें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अभी मैच चल रहा है, नॉकआउट नहीं हुए हैं, नॉकडाउन वाली सिचुएशन आई हुई है और अभी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत लग रही है और इसीलिए थोड़ा सा एक बटन दबा और रिफॉर्म्स चल रही है। और जिस तरीके से भैया ने बताया कि 6 दिन की पूरी एक डिस्कशन चल रही है वो अपने आप में गजब है। अब निकल कर क्या आता है इसमें, ये तो फिर हम 6 दिन के बाद इस टॉपिक पे दोबारा डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कहाँ 6 दिन की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले बोला कि मैंने पहले आपको पूरा बेस समझाया कि प्रॉब्लम क्या है, जो डिस्कस होने वाला है वो भी हल्का सा मेरे आइडिया है कि क्या क्या डिस्कस होगा, वो भी बता सकता हूं आपको इफ यू हैव टाइम ओनली 5 मिनट्स। अब आपको बोलूंगा कि यार जो जो ये वो चीजें हैं, मैं इसलिए आपको फोन किया था मोहन जी, आपके पास इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने कल को आईएएस बनना है, इन लोगों को पता होना चाहिए कि बैकड्रॉप जो टीवी पे आता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बैकड्रॉप में क्या चल रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तभी मैं आपको ये तो मैं शो अपने चैनल के ऊपर भी कर सकता था, लेकिन इट इज फॉर यू एक्सक्लूसिवली, मैंने अभी इसको अपने चैनल पे कवर नहीं किया है। थैंक यू। आई वांटेड योर पीपल हु आर इंटेलिजेंट पीपल हु अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेरी डीपली, ये उनके लिए है कि भाई आपकी अगर अर्थव्यवस्था डाउन चल रही है तो आपकी गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या कर सकती है। अभी आज की डेट में आप बोलेंगे कि यार रियल एस्टेट को सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है, ये मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए ये सारी पॉलिसीज लेके आने वाले हैं। पहला तो ये है कि जो एक सेगमेंट है कंट्री के अंदर कि यार फ्यूचर ब्लीक है, उसको कैसे अपलिफ्ट कर रहा है, एक पॉजिटिविटी कैसे लेके आनी है, उसके लिए बोला जाएगा कि भाई ये जैसे जो एक जो जीडीपी ग्रोथ है इसको हम 5% पे रखने वाले हैं, लेट्स टारगेट 5%। अब लोग बोलेंगे यार इंडिया तो 8% पे राइज कर रहा है, आप इतनी बड़ी इकोनॉमी आप 5% पे कर रहे हैं, तो इनका आंसर होगा और नए नए मुसलमान बने हैं अभी पहुंच गए 8 पे, आगे नहीं चलेंगे, चिंता मत कीजिए, ये चाइना नहीं है जो 15-15% पे ग्रो किया है, तो ऐसे करके इनको शांत किया जाएगा। साथ में दिखाया जाएगा देखिए अमेरिका 1%, यूरोप 0.5%, आप 5% पे 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इससे आपके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आएंगी। एक तो ये काम, ये एक ऐसा चूर्ण है जो लोगों को दिया जाएगा। दूसरा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं रियल एस्टेट के अंदर, नॉट रियल एस्टेट मींस हाउसिंग, रियल एस्टेट यहां पर है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस रोड्स न्यू एरियाज उसको डेवलप किया जाएगा। और जो मेरी अपनी स्टडी है 20 साल की चाइना के ऊपर, ये क्या करते हैं जब इनको लगता है कि नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकते, ये पुरानी को तोड़ देते हैं। अब ये क्या करेंगे, जो पुराने 20 25 30 साल पहले जो रियल एस्टेट के इन्होंने इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए थे ये उनको ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि आधी से ज्यादा कंपनी तो बंद हो चुकी हैं। अब वो बंद हुई एरिया को कोई यू नो देयर इज नोबडी देयर, उसको तोड़कर ये नया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे ताकि उसको दिखा के ऐसा शोकेस ये दुनिया की कंपनी को दोबारा से यहां पर लेकर आए। और इनका फोकस कहाँ है, अपस्केल इंडस्ट्रीज। जैसे आपको याद है कि सेमीकंडक्टर के ऊपर मोदी जी लगे हुए हैं,
चाइना भी सेमीकंडक्टर के ऊपर लगा है कि हमने खुद का डेवलप करना है, लेकिन खुद को डेवलप करने के लिए अकल नहीं है, तो इन्होंने इंटेल को जैसे बोल दिया कि भैया आप अपना R&D डेवलपमेंट सेंटर हमारे यहाँ खोलिए। कितनी जगह चाहिए? 10,000 एकड़ दे देते हैं। हमारी तो 2/3 कंट्री तो हमारी वैसी बेकार है, जहां पे कुछ ताना तिनका भी उगता नहीं है, दे देंगे। यहाँ पर भी जो है 2/3 कंट्री आपके सर की तरह है, तो वो इन्होंने कहा यार फ्री में है डाल दो, तो इन्होंने इंटेल को सबसे बड़ी R&D सेंटर खोलने के लिए जगह दे दी, जैसे पहले टेस्ला को दी थी। तो अब ये उन लोगों को लेके आने के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे, उसे क्या होगा दोबारा से आपकी इकोनॉमी रिवाइव करनी शुरू कर देती है। तो ये दे आर गोइंग इन टू दोज थिंग्स, लोगों को बोल दिया ट्रेडिशनल कामों में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपका एक ओपनिंग कमेंट था कि भाई यहां से लोग भाग रहे हैं, मैं उसको करेक्ट करूंगा, लोग भाग नहीं रहे, लोगों को भगाया जा रहा है। चाइना चाहता है कि जो बाहर से लोग आए हमें यूज किया, हमें अब आपकी जरूरत नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजीज को हमने कॉपी कर लिया, आपके वे ऑफ वर्किंग को हमने कॉपी कर लिया, प्लीज थैंक यू सो मच गो आउट। 97% फॉरनर्स को निकाल दिया गया है, वो जो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने वाले भी बाहर से आए थे उनकी दुकानें बंद कर दी हैं कि अब जो इंग्लिश है वो फॉरनर नहीं पढ़ाएंगे। जो फॉरनर्स ने हमारी फौज यहाँ पे खड़ी कर दी है इंग्लिश स्पीकिंग की, चाइनीज ही चाइनीज को अब इंग्लिश सिखाएगा, अब तो हम अमेरिकन को इंग्लिश भी हम पढ़ाएंगे, ये हालत पे आ गए हैं। सारे यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद हो चुके हैं या बंद करा दिए गए ताकि गो आउट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था, तो क्विट चाइना मूवमेंट फॉरनर्स के लिए चल रहा है। तो जो इंडियन मीडिया पे एक सेंसेशन आती है वो जी सारी कंपनियां बंद करके भाग गई, उसका रीजन ये है कि ये चाहते हैं कि आप यहां से चले जाएं। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं, जितनी सुपरमार्केट्स हैं चाइना में जो फॉरनर्स की थी वो बंद करा दी गई है या बंद हो गई, चाइनीज की चलती है। भाई अगर इसी मार्केट में चाइनीज का सुपरमार्केट चल सकता है आपका नहीं चलता, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मिलेगा आपको द्वारका जी में। द्वारका में जब आप आइलैंड्स पे जाते थे बोट के अंदर, अगर आप हिंदू हैं तो 100 रुपए की टिकट है, मुसलमान है तो 8 रुपए की टिकट देकर आप जाते थे। तो वहां पर हिंदू ने द्वारका में जाना आइलैंड्स पे बंद कर दिया, जहां पर द्वारकाधीश का मंदिर है, हिंदू जाता ही नहीं था कि भैया इतने इतने पैसे लगते हैं, वहां पर भी दर्शन करने के लिए आपको 4-5 हजार रुपए देने पड़ते थे। ये जान के किया गया था ताकि हिंदू वहां जाएगा नहीं, वो आइलैंड्स खाली होंगे, इनके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, चाइना के अंदर भी कर लिया। यही कुछ चाइना भी कर रहा है। मैं पहले बोल रहा हूं इंडिया से बहुत कुछ सीखते हैं। इन्होंने क्या किया भाई, चाइनीज जो दुकानें हैं सुपरमार्केट्स हैं वहां पर कॉस्ट प्राइस पे माल को बेचना शुरू कर दिया। वो साल 2 साल चला, सुपरमार्केट्स पे हाई मार्जिन पे काम होता है, सस्टेन नहीं कर पाए चाइनीज सुपरमार्केट्स के सामने, छोड़ छोड़ के वो भाग गए। ऊबर तक को चाइना को छोड़कर भागना पड़ा, नॉट बिकॉज यहाँ पर बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो कंपनी है उसका नाम है दीदी, दीदी जो कंपनी है चाइना की ऊबर की तरह, उन्होंने इतने लो कॉस्ट पे उन्होंने ये सर्विसेज दी, टैक्सी सर्विसेज, कि ऊबर को कंट्री छोड़कर भागना पड़ा। जैसे ही वो भागा है इनकी प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई। तो ये एक सिस्टम है जो हमारा द्वारकाधीश में आपको इसका आंसर मिलता है, वही चीज इन्होंने करनी शुरू कर दी है। वेरी सिंपल क्रूड वे आई विल एक्सप्लेन यू। अब एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट। आपने दो शब्द इस्तेमाल किए थे, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, क्या चाइना में पॉसिबल है या झुंझुना है? देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट्स ऑलवेज हैव अ वे ऑफ स्पीकिंग। वो बोलेंगे देखिए हमने बोला था मिडिल क्लास को हम सपोर्ट करेंगे, हम ये इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे, हम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएंगे, हम दुनिया की कंपनीज को यहाँ लेकर आएंगे। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा तो बाहर की कंपनीज डेफिनेटली वहां आएंगी, जिसको फ्री में आपको लैंड मिल रही है, बिल्डिंग मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, टैक्सेस फ्री किए जा रहे हैं, व्हेन ऑल दोस थिंग्स विल हैपन पीपल विल कम। तो गवर्नमेंट विल स्टार्ट सेइंग देखिए वी आर सो ट्रांसपेरेंट, हमने जो बोला वो करके दिया, ये शी जिनपिंग की गारंटी है, जो किया था जो बोला वो करके दिखाया। तो वो लोगों को ले नहीं लगता कि भैया ये झूठ बोला गया हमारे से। गवर्नमेंट जो बोलती है जो उसने करना है वो तो ऑलरेडी कर चुकी है, पॉलिसीज ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी हैं, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं। भाई आपको क्या लगता है मोदी जी अगर कहीं कंट्री में जाकर साइन करके आते हैं राफेल का, उसकी प्लानिंग तो 4 साल से चल रही है, वो डन डील है,
ये नहीं है कि मोदी जी वहां गए तो राफेल का डील साइन हुआ है, वो तो साइंड ऑलरेडी है, वो सिर्फ एक औपचारिकता है कि आप जाकर वहां पे जाके साइन कर रहे हैं, पर डील वॉज ऑलरेडी डन। तो जो आज अनाउंस होगा वो ऑलरेडी डन है, वो सिर्फ अनाउंस होना है वहां जाकर लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हमने जो बोला था वो हमने करके दिखाया। तो ये हर एक गवर्नमेंट ही ट्रांसपेरेंट होती है, ये हमें मालूम है कि कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना नहीं है। अगर इतना ही ट्रांसपेरेंट होता तो जो तीज जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीएम की लिस्ट बहुत पहले आ जाती। ये हमेशा ऐसे होता है, जो नहीं मेरा देखो ट्रांसपेरेंट सीधी करना सी है, बात देखो है, वो एक अलग मैटर है। देखिए जो ट्रांसपेरेंट करना है वो ट्रांसपेरेंट दिखाते हैं, जिसको छुपाना अच्छा है वो छुपा के रखते हैं, मैं वो मैटर कह रहा हूं। ओके, तो इसी के साथ जिस तरीके से भैया ने डिस्कस किया, सच्ची बता रहा हूँ, पकिया उधेड़ के रख दी बहुत सारे मामलों में, पता नहीं कहाँ के तीर कहाँ लगे और जिसको लगे उनको घाव गंभीर हुए। समझने वाले समझ जाएंगे, ना समझे तो भाई हम क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने बताया, सिचुएशंस को समझाया, दैट इज अल्टीमेट। और जो आप लोगों ने आपने बताया चाइना की जो सिचुएशंस हैं, वो अभी हालांकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा बल्ब जो है वो टिमटिमाना, मतलब हल्की सी यस उसकी ब्राइटनेस कम हुई है, वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी उसको रिपेयर किया जा सकता है, इस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ज्योतिर्मय एंड कॉफी विद सुमित जैन, दोनों की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद। हमारे दोनों के चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मोहनजी। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.